नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बाबा, पापा का बेटा जाग गया। हाँ अरे उठ गया क्या? हाँ ये आपका टिफिन यहाँ लाइए मुझे दे। आराम से। भूखा है शायद? हाँ आते टाइम ना आप मिल्क पाउडर ले आइएगा, थोड़ा ही बचा है। ठीक है मैं ले आऊँ। तुमने अपनी दवाई ली? खा लूंगी, इसको दूध पिला लूं पहले। मैंने कहा था ना तुम हमेशा भूल जाते, कल भी भूल गई थी ना। अरे बाबा खा लूंगी। रुको अभी देता हूँ। अरे ऐसे कैसे छुट्टे पैसे नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें? लेकर आना चाहिए ना। हाँ अगली बार नहीं, मुझे अभी चाहिए। लाओ मेरे 5 रुपए लाओ, वापस लाओ, चलो। दिनेश जाने दो ना, 5 रुपए की तो बात है बस। क्या मतलब है 5 रुपए की बात है? 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? अरे देख क्या रहे हो, लाओ चलो। ये रखो 10 रुपए, मैं अगली बार 5 रुपए ले लूंगा। और अगली बार से छुट्टा भी ले आना, समझे? ठीक है गया ना वो। जाओ बैग लेकर आओ। अरे आकाश। जी जी भैया। इस महीने का बिजली का बिल भरने वाला था ना तू, क्यों नहीं भरा अभी तक? भैया इस बार आप भर दीजिए। मैं क्यों भरूं, तेरी बारी है, तू भर। भैया पैसे नहीं थे, वो डिलीवरी में ज्यादा खर्च हो गया। तो मैंने कहा था बच्चा पैदा करने को तुम्हें। दिनेश क्या बात कर रहा हूँ। अरे जब जेब में दम नहीं है तो बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या है? भैया सब क्या बोल रहे हैं आप? जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जब तक पिताजी थे तब तक तूने बहुत मनमानी की, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मैं पिताजी नहीं हूँ जो तेरा बोझ उठाऊं, और ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम्हारा। अच्छा होगा कि तू अपना बिजली का बिल भर देना। ठीक है भर दूंगा, सिर्फ इस महीने का नहीं अगले महीने का भी भर दूंगा। घर में नहीं दाने और गुड़िया चली बुनाने, यहाँ 1 महीने का हो नहीं रहा है, 2 महीने का भरेगा ये। भैया बहुत हो गया, आप कुछ भी बोले जा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। भाभी क्या इस घर में और जायदाद दोनों में मेरा बराबर का हक है? अब मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ कौन से हक की बात कर रहे, भूल गया? अपनी शादी में तूने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, उसका ब्याज भी अभी तक नहीं दिया तूने मुझे। पहले 5 लाख रुपए लौटा और फिर ये हक की बात करना, भिखारी कहीं का। क्या हुआ आकाश? चले कुछ नहीं हुआ, तुम अंदर जाओ। क्यों उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना धन्ना सेठ है। बस भैया अब मैंने बोलना शुरू किया तो बुरा लग गया, या तो मेरे पैसे लौटा या ये घर छोड़ के चला जा। हाँ ठीक है निकल जाऊंगा इस घर से, मुझे भी इस घर में नहीं रहना, या सुबह शाम से ताने सुनने पड़े। अब तो बड़ा बुरा लग रहा है तुझे, जब पैसे लिए थे तब बुरा नहीं लगा। भैया क्या आप आकाश क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो, अब जाओ ऑफिस के ले जाओ। भैया आप ही प्लीज शांत हो जाइए, बिल भर देंगे वो। मुझे रॉब दिखा रहा है। मुन्ना मुन्ना अंजलि भाभी 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 कहाँ हैं आप? भाभी
कितनी बार कहा है मेरे बच्चे से दूर रहा करिए। शालिनी मैं तो सिर्फ उसे बहला रही थी, वो रो रहा था रूम में। घर इतना ही शौक है बच्चों का, तो खुद क्यों नहीं पैदा कर लेती? वैसे तो आपके पति बहुत रौब झाड़ते फिरते हैं, एक बच्चा नहीं दे सकते क्या आपको? और अगर नहीं दे सकते ना, किसी डॉक्टर से इलाज कराइए। पैसों की कमी तो होगी नहीं आप लोग के पास, और मेरे बच्चे से दूर रहिए। जी जी जी, 1803 की एंट्री हो चुकी है। मम्मी आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या? हर बार मनाने की कोशिश करती हूँ, उनको डॉक्टर से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। हाँ अब कितना समझाऊं मैं उन्हें, लेकिन नहीं, उनको अपने पैसों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो कभी नहीं, अब मैं नहीं मानूंगी, मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए मम्मी, बस बहुत हो गया। अब मैं शालिनी की ये ताने और नहीं सुन सकती। अरे आज बहुत लेट हो गया। हाँ क्लिनिक थोड़ा लेट बंद हुआ। पापा का बेटा क्या कर रहा है, मामा के साथ खेल रहा है? अच्छा आप जरा इसे संभालिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ओके। क्या हुआ, घर में बोर हो रहा है? पापा के साथ बाहर घूमने चले? अच्छा ये पापा का बेटा बाहर जाएगा, पापा के साथ खेलेगा, बाहर बाहर घूमने जाएगा, हम बाहर घूमेंगे। हाँ भूख लग रही है आपको है? आकाश। हाँ भाभी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा वो भैया को कह देना कि मैं बिजली का बिल जमा कर दूंगा, मैंने पैसों को अरेंज कर लिया। अरे नहीं नहीं आकाश, उस बारे में नहीं। फिर भाभी। आकाश तुम IVF सेंटर में काम करते हो ना? हाँ। तो आकाश मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं IVF करवा लूं। देखो मुझे बच्चा तो चाहिए ही, और मैं ना तंग आ चुकी हूँ लोगों के ताने सुन सुन कर। तुम्हारे भैया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे भी बच्चा चाहिए। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अभी डॉक्टर से तो मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन एक बार आप भैया से बात कर लीजिए, अगर भैया को बाद में पता चला तो खाम का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और वैसे भी IVF की फीस बहुत ज्यादा है, शायद भैया ना इतना पैसा दे। नहीं नहीं नहीं, तुम ना उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, उनको मैं संभाल लूंगी और मैं मना भी लूंगी, बस एक बार कंफर्म हो जाए ना कि मैं भी माँ बन सकती हूँ तो सब अच्छा हो जाएगा। तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है आप कल क्लिनिक आ जाइएगा। हाँ अब लाओ लाओ मैं चुप करा देती हूँ उसको ना। बहुत शैतान है ये। अंजलि भाभी, शालिनी कितनी बार कहा है आपको मेरे बच्चे से दूर रहा करिए, जब तक वो पीछे पड़ी रहती है। शालिनी ये सब क्या बोल रही होने तुम? आप चुप करिए, आपसे जब नहीं संभल रहा था तो मुझे बता देते। सॉरी भाभी। मुन्ना सो गया क्या? मुन्ना सो गया और अब आप भी सो जाइए। जब से मुन्ना हुआ है मुन्ना के पापा का प्यार ही बढ़ गया है, सिर्फ मुन्ना को प्यार मिलता है, मुन्ने के पापा का क्या? मुन्ने के पापा को प्यार कौन करेगा?
ऐसा कुछ नहीं। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, तुम आराम से माँ बन सकती हो। बस एक बार तुम अपने हस्बैंड को लेकर आ जाओ तो मैं उनके भी चेकअप्स करवा लेती हूँ। मैम, हस्बैंड का आना तो मुश्किल है, उनके बिना नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा, बट पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। कितना खर्चा होगा? 2-3 लाख के आसपास। अगर तुम कहो तो मैं कल से प्रोसेस शुरू करवा देती हूँ। हाँ, बस एक बार हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, श्योर। थैंक यू डॉक्टर। किस ख्यालों में खोई हुई हो? अरे भाई, ऑफिस से आया हूँ, पानी वानी पिलाओ। हाँ, मैं भी लेके आती हूँ। हेलो जी, शर्मा जी बोलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थैंक यू दिनेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए? मैं ना IVF सेंटर गई थी। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? दिनेश, डॉक्टर ने कहा कि IVF के जरिए मैं माँ बन सकती हूँ। कितना खर्चा होगा? यूं ही कुछ 2-3 लाख रुपए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पैसे क्या पेड़ पर रुकते? जब देखो तब बच्चा बच्चा बच्चा। अरे बच्चा नहीं होगा तो मर नहीं जाओगी तुम। और कितने लोग हैं जो बिना बच्चों की जिंदगी जीते हैं? हाँ, तुम्हें तो बस अपने पैसे ही दिखते हैं ना हमेशा। अरे क्या करोगे इन पैसों का जब औलाद ही नहीं होगी? क्यों करते हो इतनी कंजूसी? किसके लिए कर रहे हो? दिनेश, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे। और अगर बच्चों का इतना ही शौक है ना, तो अपने मायके जाओ और उनसे पैसे ले लो। और ये क्या कह रही थी तुम? औलाद नहीं होगी तो पैसों का क्या करूंगा? अरे कल को अगर माँ बाप के पास दौलत ना हो ना, तो यही औलाद उन्हें घर से बेघर कर देती है। और एक मिनट, ये IVF का आइडिया किसने दिया तुम्हें? जरूर आकाश ने कहा होगा। हाँ, उसी के डॉक्टर से मिलकर आ रही हो ना तुम? बोलो। आने दो उसको, आज उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। मेरे घर में आग लगाता है वो। नीश, आकाश ने कुछ नहीं किया है, उसने नहीं कहा मुझे। मैं किसी और डॉक्टर के पास गई थी। देखो
ये IVF वगैरह का भूत अपने दिमाग से हटा देना। थक गया हूं मैं, फ्रेश होने जा रहा हूं। पानी लेने आई थी। अच्छा, मुन्ना के लिए दूध बना रहे? हाँ, बस मुन्ना के लिए दूध गर्म कर रहा था। भाभी, वो आपने भैया से बात की वो IVF के लिए? करी थी, नहीं माने। उनको अपने पैसों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भैया नहीं मानेंगे। आप क्या करेंगी? क्या कर सकती, भागन हूं, ऐसे गुटगुट के जीती रहूंगी। पता नहीं मैंने जीवन में क्या पाप किए हैं जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। अभी आप दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आकाश, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है, एक औरत तब तक अधूरी रहती है जब तक वो मां ना बन जाए। और ये अधूरापन कब अकेलेपन में बदल जाता है, और ये अकेलापन जानलेवा हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। और ये जमाने के ताने इतनी घुटन नहीं देते जितने तुम ये सब देता है। काश कभी कभी तो लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं। अभी ये सब क्या बोल रही हैं आप? भगवान पे भरोसा रखिए। काश भगवान का तो पता नहीं, पर तुम मेरी मदद जरूर कर सकते हो। अभी मैं कैसे? आकाश, मेरी मां बनने की ख्वाहिश अब सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज प्लीज मना मत करना आकाश, प्लीज। भाभी, ये सब क्या कर रही? मैं कुछ नहीं कर सकता भाभी, ये सब ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, मुझे नहीं पता आकाश। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, प्लीज। अरे कहाँ रह गए? मुन्ना रो रहा है, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आया आया। जल्दी लाओ यार, लेट हो रहा है। हाँ हाँ लाई। अच्छा सुनिए, लौटते वक्त ना चावल लेते भी आ जाइएगा, खत्म हो गए। क्या, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ और चावल खत्म हो गए? वो सब कुछ नहीं, जब महीने का सामान भरोगी तब भर देना, तब तक के लिए कोई चावल नहीं खाएगा। दवाई खा लेगा? हाँ बाबा, खा लूंगी। ये प्यारा सा पापा का बेटा, थोड़ा ध्यान रखो। शर्मी, आकाश जी, जी भाभी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। बोलिए ना। अभी अभी मेरी बात तो सुन। अभी ये सब क्या कर रही हैं आप? भाभी ये सब क्या कर रही हैं आप? आकाश, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं। पर देखो, देखो आकाश, मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख से इस खानदान का बच्चा पैदा हो, और इसमें सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तुम ही इसको मुमकिन बना सकते हो। देखो
देखो आकाश, मेरे कॉलेज दोस्त भी हैं, पर मैं ये करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे भैया की इस खानदान में नाक कटे। इसलिए इसमें भलाई यही है कि तुम मेरा साथ दो। सोच क्या रहे हो आकाश? ठीक ठीक है भाभी, शालिनी से बात। उसको कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। आकाश का टिफिन? आ गए तो वो है कहाँ? आकाश! शालिनी, वो भाभी ने रिक्वेस्ट की थी बच्चे खातिर, इसलिए इन्होंने कहा और तुमने मान लिया। शालिनी, शालिनी प्लीज मेरी तेरी मजबूरी समझो। शालिनी, बच्चे की लालच में इतनी गिर गई कि मेरे पति के साथ सोने को तैयार हो गई। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? दुनिया में मर्दों की कमी हो गई है क्या? ये क्या हो क्या रहा है? अरे मैं बताती हूँ, आपकी बीवी बच्चे के लिए मेरे पति के साथ सोने को तैयार है। अरे आप दिन भर रौब झाड़ते फिरते हैं, एक बच्चा नहीं दे सकते क्या अपनी बीवी को? हे आकाश, समझा अपनी बीवी को, बहुत ज्यादा बोल रही है ये। अंजलि क्या बोल रही है ये? अरे ये क्या बोलेंगी, काम जैसा किया इन्होंने। माना कि बच्चे की लालच में ये अंधी हो गई थी, तुझे तो समझ में आना चाहिए था ना। तेरी अकल क्या घास चलने गई थी? अरे वाह, अब घूम फिर के वापस मेरे पति पर आ गए। अरे अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना आप दोनों में, तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। तू मुझे ताने मारेगी? हाँ मुझे? अरे दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और तेरे इस पति की। मेरे टुकड़ों पे पल के बड़ा हुआ ये। माँ बाबूजी तो बस ये घर छोड़ कर गए थे, अगर उसी टाइम पे इसे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तो आज सड़कों पे भीख मांगता ये, और तुम दोनों मुझे आके दिखा रहे हो भिखारी कहीं के। जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलो, वरना बाहर फेंक दूंगा तुम लोगों को। एक मिनट, आपका अकेले का घर नहीं है ये, हमारा भी हक है इस घर पे। काहे का हक? हाँ पहले मेरे 5 लाख रुपए लौटा दो ब्याज के साथ, जो मैंने इसकी शादी में खर्च किए थे, उसके बाद इस घर में हक जताना। और अगर पैसे ना हो ना, तो अपना हिस्सा भूल जाओ इस मकान में। अच्छा होगा इज्जत से इस घर से बाहर निकलो, वरना ऐसे फेंक दूंगा ना, समझ में नहीं आएगा। ए लेके जा अपनी बीवी को, एहसान फरामोश कहीं का। देखते हैं कौन निकालता है हमें इस घर से। हाँ हाँ हमें बस करो सर। अरे ऐसे कैसे कोई निकाल देगा यार, हम कुछ दिन में चले जाएंगे भैया। शालिनी तुम चलो यहाँ से। शालिनी तुम चलो, समझा इसे। हाँ हाँ देखते हैं कौन निकालता है हमें यहाँ से। और तू, तूने अपनी अकल शर्म बेचाई है क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? हो गया मेरा दिमाग खराब? क्या करती मैं, क्या करती मैं तुझे? क्या करती? कुछ रास्ता छोड़ा था तुमने मेरे लिए, तुमने बोला था ना, बोला था ना दिनेश जी के IVF करवा लेने। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने पैसों की पड़ गई थी हर बार। कभी तो मेरे बारे में सोचते थे दिनेश, कभी तो सोचते अपनी बीवी के लिए, कभी तो सोचते दिनेश मेरे ना पूरे बदन में ना आग लग जाती जब मैं शालिनी को चुप बच्चे के साथ देखती थी। उस छोटे से बच्चे को ना पास जाने देती है वो, ना हाथ लगाने देती है, ना देखने देती है। मैं क्या करूं? कभी-कभी तो मन करता था कि मैं शालिनी की जान ले लूं। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं खुद की जान ले लूं। अंजलि, मार दो मुझे। अंजलि चुप।
अंजलि, 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 I'm sorry. सुनो, सुनो, मुझे माफ कर। अच्छा, सुनो, देखो, मैं तुम्हारे जज्बात समझ नहीं पाया। हम IVF करवाएंगे। देखो, अभी थोड़ा टाइम है। मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। सच बोल। हाँ। और रही बात साकाश और शालिनी की, तुम चिंता मत करो। उन्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। शालिनी, किराए का मकान देखने जाना है, तैयार है ना? दोनों साथ में चले। ठीक है। अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी? चलो, देर हो रही। अंजलि भाभी लेके गई होंगी, आज तो उसकी खैर नहीं। अंजलि भाभी, भाभी, मुन्ना, भाभी, मुन्ना, शाल नहीं। आकाश, मुन्ना कहीं नहीं मिल रहा है। मुन्ना मिल नहीं रहा? मतलब? मुन्ना मेरे साथ ही सो रहा था, पर जब मैं जागी तो वो नहीं था। और भाभी भी घर पे कहीं नहीं है। आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। हाँ? पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। मानी संजनी ने क्या किया होगा मेरे बच्चे के साथ। मुझे पुलिस को फोन लगाना चाहिए। हेलो पुलिस। शालिनी, संभालो अपने आप। इसने मेरे बच्चे को किडनैप किया। सर पूछिए इससे कहाँ है मेरा बच्चा। देखिए, आप शांत हो जाइए। इतनी नाम से बताइए मुझे क्या हुआ। सर, मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरा बच्चा मेरे बगल में सो रहा था, और जब मेरी आंख खुली तो वो नहीं था वहाँ पे। मैंने पूरे घर में छान मारा, वो कहीं नहीं मिला, और ये भी घर में कहीं नहीं थी। मैडम, आप कहाँ थी जब उनका बच्चा गायब हुआ? मैं मार्केट गई हुई थी, मुझे कुछ खरीदारी करनी थी। जब मैं वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि शालिनी बच्चे को लेके परेशान है, और
मैं सच बता रही हूँ कि मुझे मुझे नहीं पता कि इसका बच्चा कहाँ है। मैं खुद उतनी परेशान हूँ उसके लिए, मुझे सच में नहीं पता। दिनेश, दिनेश देखो ना, शालिनी क्या बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये सब क्या हो रहा है पुलिस, ये सब क्या चल क्या रहा है? अरे मेरा बच्चा गायब हो गया है और तुम्हारी बीवी ने चुराया मेरे बच्चे को। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरी बीवी का बच्चा चोर लग रही है? अरे बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? एक मिनट, आप कौन? सर मैं इस आकाश का भाई हूँ। आप कहाँ थे जब ये सब कुछ हुआ? सर मैं अपनी जॉब पर था, जया फार्मेसी में अकाउंटेंट हूँ सर, मैं वहीं पर था। आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो। वो तो हम कर ही लेंगे। सर मुझे तो इन दोनों पर शक हो रहा है, खाने के लिए तो पैसे है नहीं इनके पास, बच्चे का खाक संभालेंगे? है का आए होंगे किसी अनाथ आश्रम में अपने बच्चे को? जबान संभालिए भैया, आपसे मांग के नहीं खाते, जो भी होता है एडजस्ट कर लेते अपना। माना कि मांग के नहीं खाता, लेकिन खाता तो मेरी ही है ना, कहा था घर खाली कर दे। हाँ तो कर देंगे ना, कभी करेगा। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। आप कहाँ थे जब आपका बच्चा गायब हुआ? सर मैं सिक्योरिटी कंपनी में काम करता, पर अपनी ड्यूटी पर था। कहाँ पर लगी आपकी ड्यूटी? सर डॉक्टर पम्मी के क्लिनिक में। सर मैं वहीं पे था जब शालिनी का मुझे कॉल आया, उसने बताया कि बच्चा मिल नहीं रहा, तो सर मैं भागता भागता हुआ घर आ गया। आप अपने बच्चे की फोटो दी, इनसे बच्चे की फोटो ले लो और पूरे शहर में सर्कुलेट कर। बड़ी इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, और हाँ ये फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक करो, पूरी कुंडली चाहिए मुझे इन चारों। सर बड़ी पिछले साल हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था ना, एक बच्चा मिसिंग हुआ था, उसके मिसिंग की कंप्लेंट उसके दादा दादी लिखवाने आए थे, लेकिन बाद में बच्चे के माँ बाप ने वो कंप्लेंट वापस ले ली। वो औरत भी इसी डॉक्टर पम्मी IVF क्लिनिक में काम करती थी ना? हाँ सर करती तो थी। पता करो उस बच्चे का क्या हुआ, मिला है नहीं? सर ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भैया पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं शालिनी को लेकर जा रहा हूँ। शालिनी चलो यहाँ से, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शालिनी मिल जाएगा बच्चा। अच्छा होगा कल सुबह तक तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम दोनों को। ठीक है भैया, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। चलिए चलो यहाँ से, शालिनी चलो यहाँ से। त्रिपाठी दिनेश के फैमिली का बैकग्राउंड पता किया? हाँ सर। सर दिनेश सच बोल रहा है, दिनेश उस दिन ऑफिस में था और उसकी बीवी अंजलि वो पूरा दिन मार्केट में थी। सर चारों में से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, शायद वो लोग सच बोल रहे हैं। हो सकता है। अच्छा उस बच्चे के फैमिली वाले से मिले? हाँ सर, लेकिन वो फैमिली अभी उस एड्रेस पे नहीं रहती, उन्होंने दूसरी जगह अपना एक मकान बना लिया है। और सर वो औरत वो पम्मी के क्लिनिक में अभी काम नहीं करती, उसने खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है। और वो बच्चा मिला? नहीं सर वो बच्चा तो नहीं मिला, हाँ लेकिन उनके पास एक दूसरा बच्चा है। त्रिपाठी इस पम्मी के कस्टमर्स का बैकग्राउंड चेक करो, जरूर कुछ पता चलेगा। सर बैकग्राउंड चेक किया और बहुत कुछ मिला है।
मैडम आप सिर्फ आईवीएफ की फैसिलिटी देती है या एडॉप्शन की फैसिलिटी भी देती है? नहीं, ऐसा किसने कहा आपसे? ये बर्थ सर्टिफिकेट आप ही नहीं दिया है ना? नहीं सर, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, त्रिपाठी लेकर आओ ने। सर। मैडम आकाश का बच्चा आपने ही इन्हें अडॉप्ट करवाया ना, याद आया कुछ? अगर नहीं आया हो तो हमारे पास और भी तरीके हैं आपकी याददाश्त वापस लाने के, बस उसके लिए आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। देखिए मैडम, इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है, अब अच्छा होगा कि आप अपना जुर्म कबूल करें। जी सर, मैं बताती हूँ। सर ये बच्चा मैंने ही इन्हें दिया था, एक्चुअली अडॉप्ट करवाया था। और सर यही नहीं, मैं इसके अलावा इसके पहले भी काफी सारे बच्चे अडॉप्ट करवा चुकी हूँ। तो आप बच्चे खुद किडनैप करती है या करवाती है? नहीं सर, सारे बच्चे नहीं, मतलब बस कुछ ही। मतलब? मतलब सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, वो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उन्हें पालना उनके बस में नहीं होता। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चे चाहिए तो वो अच्छी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं उन लोगों से बच्चे खरीद कर जिन्हें बच्चों की ज़रूरत है उन्हें बेच देती हूँ अच्छी कीमत पर। लेकिन सर कभी कभी क्लाइंट को स्पेसिफिकली बच्चा चाहिए होता है और उनकी पसंद के बच्चे के लिए मैं बच्चा किडनैप करवाती हूँ। करवाना पड़ता है मतलब? और कौन कौन शामिल है आपके इस रैकेट पे? सर असलम भाई पान शॉप वाले वो मेरे लिए करते हैं। और ये आकाश का बच्चा भी उसी ने किडनैप किया था? शालिनी जल्दी आ जाओ, गाड़ी आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ आपका बच्चा मिल गया, बच्चे को लेकर आओ। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? सर कुछ पता चला क्या किसने किडनैप किया था? हाँ मैडम, हमें पता चला है कि आपके बेटे को किसने किडनैप किया है। किसने सर? मैडम आपके बेटे को और किसी ने नहीं, आपके पति आकाश ने किडनैप किया। ये आप क्या कह रहे हैं सर, ये ऐसा क्यों करेंगे? तो आप खुद ही पूछ लिए। क्यों आकाश, बताओ अपनी बीवी को क्यों किया था किडनैप? देखो आकाश, उस पम्मी को भी हम अरेस्ट कर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी, सच सच बोलो। क्या करता, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तंग आ गया था रोज रोज भैया के ताने सुन कर, क्योंकि सिर्फ एक दिन की बात नहीं, रोज रोज की कहानी बन गई थी। मैं भी चाहता था घर छोड़, लेकिन कहां जाता, पैसे नहीं थे मेरे पास। सोचा कि जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा। ना तो पैसे आए और ना ही कहीं जा पाया। और उस दिन जब भाभी के साथ मुझे आप लोगों ने देखा तो भैया ने बहुत कुछ कहा। शालिनी तुमने भी मुझे गलत समझा, पर मैं गलत नहीं था। मन में आया कि किराए का मकान ले लो, लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं। पम्मी ने मेरी बात सुनी। क्या बात है आकाश, परेशान लग रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम।
मॉर्निंग, सब ठीक है? बेबी कैसा है तुम्हारा? अच्छा। तो फिर इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मैं वो थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, तो बता सकते हो तुम मुझे, मे बी मैं हेल्प कर सकूं? मैम वो मुझे दूसरा घर देखना पड़ेगा, भैया ने घर खाली करने के लिए बोल दिया, बस वही प्रॉब्लम। हाँ तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, किराए का नया घर देख लो। हम किराए के घर के लिए भी पैसे चाहिए, और जब से बेबी हुआ है हाथ थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया, सैलरी भी आपसे एडवांस उठा चुका हूँ। अगर दूसरा घर नहीं देखा तो भैया जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दे। देखो आकाश, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पूरे 5 लाख का इंतजाम करवा सकती हूँ, लेकिन तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल है। क्या करना होगा मैम? किसी का मर्डर तो नहीं करना? अरे नहीं, मैं क्यों किसी का मर्डर करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना होगा। ऐसा क्या करना होगा? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ, आओ। देखो आकाश, तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि IVF के अलावा भी मेरा कुछ बिजनेस है, अडॉप्शन का। वो लोग जिनके बच्चे नहीं होते, वो बच्चे के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को मैं बच्चे प्रोवाइड करवाती हूँ। इनफैक्ट कल ही एक कपल आया था, उसकी बीवी को बच्चे नहीं हो सकते, अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें अपना बच्चा दे सकते हो। मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं अपना बच्चा नहीं बेचूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल में तुम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन 5 लाख 1 साल में पैदा कर पाओगे? देखो तुम्हारे पास टाइम है, मुझे सोच के शाम तक बता देना। पम्मी ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत कुछ नहीं था, क्योंकि 1 साल में मैं बच्चा तो पैदा कर सकता हूँ, लेकिन 5 लाख रुपए। मुझे पम्मी की बात समझ में, मैंने सोच लिया कि मैं बच्चा उसे दे दूँ। सोचा था कि तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम नहीं मानो, इसलिए मैंने उसे किडनैप करने का सोचा, और तुम्हारे दूध में भी वो गोली मैंने ही पिलाई थी। जिससे तुम्हें नशा हुआ और तुम सो गए, और 1 घंटे बाद जब मैं घर आया तुम सो रही थी, अभी भी घर पे नहीं, बस मौका देख के बच्चे को मैं यहां से ले गया। चलो। मैंने जो कुछ भी किया शानी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए किया, इस बच्चे के लिए, क्योंकि मैं इनके घर में और नहीं रहना चाहता था। मैं टूट चुका था, हार चुका था, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये नहीं सोचा मुझ पे क्या बीतेगी? अरे आप कह देते तो मैं रोड पे रह लेती,
एक वक्त का खाना खा के भी रह लेती, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बच्चे के बिना रह सकती हूँ? अब क्या करोगे आकाश? तुम तो जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? त्रिपाठी दिनेश को कुछ करो ना। दिनेश शालिनी मुझे माफ कर दो, कहीं ना कहीं मैं भी इसका जिम्मेदार, मुझे आकाश के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, देखो ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मैं इस बच्चे के साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? माना कि हाँ मैं तुमसे थोड़ा नाराज जरूर थी, लेकिन मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आखिरकार ये हमारा बच्चा भी तो है ना। मुझे पता है कि तुम्हें मेरा इसके पास आना बिल्कुल पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखूंगी, पर तुम मैं आपको कभी अकेला मत समझना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ये लीजिए भाभी। I'm sorry, मैंने आप दोनों पे शक किया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।